श्रुति, इस घर के कुछ नियम हैं। सब लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और खास करके इस घर की बहुएं बहुत जल्दी उठ जाती हैं। I'm sorry, Mom. आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। बेहतर है। संजय, मुझे सभी आधे घंटे में ब्रेकफास्ट टेबल पर चाहिए। शादी किया है या मजाक किया है? अरे ये सब कुछ मेरे संजय के साथ ही होना था। क्या हुआ मम्मी जी? अरे महारानी जी अभी तक सो रही हैं। अब तक सो रही है? कमाल है, आज तो नाश्ता बनाने वाली थी ना वो। डायलॉग तो बड़े बड़े बोले थे लेकिन सब खुश हो गए। बातें करनी आसान होती है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल। शादी करके पत्नी तो बन जाती है लेकिन बहू बनना खाने का काम नहीं है। ये बात तो सही है मम्मी जी, बहू बनने के लिए खाना बनाना तो आना ही चाहिए। वही तो, अब तुम ही देख लो, सुबह 6-7 बजे किचन में आ जाती हो। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वो तो है, असल में तुम मेरी पसंद की बहू और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अच्छी बहू बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। आज तक तुमने कभी बड़े बोल बोले? मम्मी जी आपने मुझे सास की तरह नहीं माँ की तरह संभाला। ये बात वो कहाँ समझेगी। सर छोड़, हम भी कहाँ सुबह सुबह उसका नाम लेकर अपने आप को इरिटेट कर रहे हैं। चल नाश्ता बना। वैसे मम्मी जी क्या बनाना है? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो पता है ना हर हफ्ते का मेन्यू फिक्स होता है, फिर भी पूछ रही हो क्या बनाना है? नहीं वो नाश्ता दोबारा बनाना है ना, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि क्या बनाना है। दोबारा क्यों? मम्मी जी नाश्ता तो आपने बना दिया है ना। मैंने तो कोई नाश्ता बनाया ही नहीं है। मम्मी जी ये देखिए, 3-3 तरह की चटनियाँ, ये सांबर, वो डोसे का मसाला, ये आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया? ये सब मैंने बनाया। आज का मेन्यू डोसा था ना, तो मैंने सब रेडी कर दिया। हाँ माँ चलो आप बाहर जाकर बैठो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म डोसे बनाती हूँ। चलिए ना माँ आइए। हाँ श्रुति दैट्स अमेजिंग। मतलब ये सब तो हम भी बना सकते थे, कौन सी बड़ी बात है। श्रुति जब मैं तुम्हारे रूम में गई थी तब तो तुम सो रही थी, तो ये नाश्ता कब तुमने बनाया? ठीक है ऐसा तो नहीं कि होटल से ऑर्डर देकर तुमने मंगवाया हो? नहीं वो ये लीजिए भाभी फ्रेश धनिया। थैंक यू सनी। भाभी आपको कुछ भी मंगाना हो ना तो मुझे रात को बता दिया करो, मैं रात को जाकर ले आऊंगा। वो क्या है ना यहाँ पे मार्केट सुबह 7 बजे से पहले नहीं खुलती, अब आप सुबह 5 बजे उठ के इतना सारा काम किया और आपका काम अटक गया ना। कोई बात नहीं, देखो आप तुम धनिया लेकर आए हो ना, 5 मिनट में मैं फ्रेश धनिया की चटनी बनाती हूँ, मजा आएगा। क्यों श्रुति सुबह 5 बजे उठ के तुमने ये सब किया? अब तो क्या, अरे भाभी ने ना जो सारा काम कर दिया ना ये बहुत बढ़िया किया। भाभी आपका ये वाला आइडिया ना मुझे बहुत पसंद आया, अब सिर्फ सबको आना है और खाना है। चने जाकर पौधों को पानी दो। हाँ वैसे अब किचन में तो कोई काम बचा ही नहीं है तो मैं पौधों को पानी देता हूँ। ये लड़का ना कब कम बोलेगा। अच्छा चटनी सभी एक से एक माइंड ब्लोइंग है, और सांबर भी परफेक्ट दक्षिण भारतीय सांबर, माइंड ब्लोइंग। श्रुति बेटा मैं तो आज इसी से पेट भरूंगा। मम्मा डोसा खत्म हो गया, अभी लाई। थैंक यू मम्मा। मम्मी मुझे भी एक डोसा चाहिए। हाँ अभी ला रही हूँ, एक सेकंड। अमित जब तक तुम्हारा डोसा आता है तुम ये ले लो। मम्मी ला रही है। और किसे डोसा चाहिए? लाओ जल्दी लाओ श्रुति जल्दी खत्म होने वाला। अरे आओ आओ प्रभा बैठो। भाई मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तुम आज अपना ही बनाया हुआ एक रूल तोड़ने वाली हो। कौन सा रूल?
अब इन लोगों को तो सबको पता है, इनको बता दूं। श्रुति जी सुनो, और बच्चों तुम भी सुनो, प्रभा ने इस घर में एक रूल बनाया है कि खाते वक्त या खाने के बाद कोई भी ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे उंगलियां नहीं चाटेगा। बैड मैनर्स है ना इसके हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूं कि आज ये डोसे और ये चटनियां खाकर ये खुद अपनी उंगलियां चाटने वाली है। हाँ माँ आप भी लीजिए ना। श्रुति मेरे लिए डोसा लाओ ना। अभी लाई, अभी लाई। अरे डैड क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ गया। अरे भाई प्रभा, ये तुमने अपना हेयर स्टाइल पहले जैसा क्यों कर लिया? वो रात में जो था वो बहुत बढ़िया था, वो फुग्गे वाला। बस बहुत हो चुका, कल की बात कल खत्म हो गई। हाँ डैड प्लीज आप माँ को छेड़ना बंद कर दीजिए ना। अरे बेटा आप अगर इस उम्र में किसी और को छेड़ूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। अरे माँ प्लीज प्लीज चुप करो सब, और कोई जोक्स क्रैक नहीं करेगा माँ पे। रात गई बात गई, माँ के बाल बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। और माँ आप भी ऐसा कुछ करियो तो पहले से बता के रखो ना, सब अपना अपना मोबाइल लेकर तो आएंगे फोटो खींचने के लिए। उड़ा ले उड़ा ले, तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। ए, चुप चुप क्यों हंस रहे हो आप सब? कोई मजाक नहीं करेगा। माँ बैठिए और डोसा खाइए, गरम गरम डोसा भाव ने बनाया। बैठिए बैठिए बैठिए, शनि चटनी लाओ माँ के लिए गरम गरम तिकी तिकी। मम्मी माँ कैसा लगा? ठीक है। श्रुति बेटा जी जो हमारे लिए बेस्ट होता है ना वो इनके लिए ठीक है। तो अब तुम सोच लो इनके लिए बेस्ट होने का मतलब उसका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा। तो अगर इनके मुंह से तुम्हें सुपर्ब सुनना है तो तुम्हें उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं और कोशिश करूंगी। शाबाश श्रुति। जी भैया। जिस तरह से तुम्हारी मम्मी का पिज्जा स्टोर है ना, मुझे लगता है कि तुम्हारा भी एक डोसा स्टोर होना चाहिए। बिलीव मी मैं बोल रहा हूँ, पूरे बड़ौदा का क्राउड वहां उमड़ जाएगा। सबसे पहले आप ही जाना। बिल्कुल, अरे मैं तो वहां नौकरी करने को तैयार हूँ। जस्ट इमेजिन, दिन रात तरह तरह के डोसे मिलेंगे खाने को यार। मम्मा क्या हुआ? ये किस लिए? डोसा बहुत अच्छा था, थैंक यू। अच्छा मेरी तेजी अम्मा, एंजॉय। मेरी भी। ओके मम्मा वापस। अब क्या हुआ? हट, ब्रेकफास्ट इतना अच्छा लगा? नहीं ये संजय अंकल नहीं पापा की तरफ से, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा ना उनकी तरफ से। क्या देख रही हो प्रभा? क्या खोज रही हो? कुछ कमी? मैं सोच रही हूँ इस कैसरोल में क्या है। वो एक्स्ट्रा डोसे का खीरा था ना, तो मैंने मतलब वो मतलब कि तुमने पहले ही डोसे बना के रख दिए हैं और अब सबको गरम गरम डोसा खिला रही हो। देखो इस घर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा बनाकर वेस्ट करने से मुझे सख्त नफरत है। नहीं नहीं माँ, वो एक्स्ट्रा डोसे का खीरा था ना उससे मैंने फैंसी डोसे बनाए। फैंसी डोसा? ये देखिए ना, चीज डोसा, शेजवान डोसा, पनीर डोसा, आपको कौन सा दूं मां? मुझे कोई नहीं चाहिए। श्रुति ये क्या किया तुमने? क्या हुआ पापा? मतलब तुमने डोसा स्टोर खोल लिया और हमें बताया भी नहीं, छुपा के क्यों रखा है भाई? लाओ लाओ इधर लाओ। एक मिनट पहले मैं आऊं। मैं अरे मम्मी मुझे भी
एक हाँ 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 ओ ले बेटा ये ब्रेकफास्ट है, खाने की तरह क्यों खा रहे हैं इसे? अब तो ब्रेकफास्ट में भी डोसा, लंच में भी डोसा और डिनर में भी डोसा। तो सब पे अपना जाल ऐसे बिछाया है श्रुति ने, पहले बेटा हाथ से गया और बाकी सब भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये असर कुछ ठीक नहीं, सब उसकी तरफ हो गए तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा। आज ब्रेकफास्ट में इतना खा लिया कि लगता है ये सब पचाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 घंटे चलना पड़ेगा। क्या कर रही हो? मम्मी जी वो सुयश के लिए टिफिन पैक कर रही हूँ, श्रुति के बनाए डोसे इतने पसंद आए उन्हें, कहते लंच में वही खाऊंगा। तुम्हें भी बहुत पसंद आए ना? खाए जा रही थी पेट ही नहीं भर रहा था। आज तो श्रुति ने कमाल ही कर दिया, जरूर उसमें कोई बात है, वरना डोसे तो हर हफ्ते इस घर में बनते हैं, लेकिन आज जब उसके डोसे पर सब टूट पड़े, ऐसा तो कभी इस घर में हुआ नहीं। हाँ वो तो है। वही तो, उसने पहली बार इस घर में कुछ बनाया और सबकी वाहवाही ले गई। तुम्हें आज तक ये वाहवाही नहीं मिली? तुमने सालों में जो नहीं किया उसने एक दिन में ही कर दिखाया। मुझे तो लगता है वो थोड़े दिन में ना सबकी फेवरेट हो जाएगी। वैसे आज का डोसा खाने के बाद लगता है कि वो खाना भी अच्छा ही बनाती होगी। तुम भी सीख लेना उससे। पारुल, पारुल मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरा टिफिन जा है, टिफिन रेडी है? नहीं। नहीं फिर क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बचा है। अरे लेकिन तुमने अभी बोला कि कुछ डोसे बचे हैं, वही साथ ले जाना। अब नहीं बचा है। काम होंगे। श्रुति चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपनी टीम को टूटने नहीं दूंगी। ए! क्या कर रही है? ग्लू की बोतल ढूंढ रही हूँ। तेरी ग्लू की बोतल तेरे रूम में होगी ना, तो जाकर वहां ढूंढ, जा। नहीं है अंदर। दीदी दीदी तुमने मेरी ग्लू की बोतल देखी है? ग्लू की बोतल? नहीं तो दीदी सच सच बोलो ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगाता, दे दो ना। नहीं लिया मैंने, मैं क्या करूंगी तेरी ग्लू की बॉटल को लेकर? दीदी क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है, जो आपके एक्सप्रेशन है ना उन्हें मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब दो ना दीदी, मेरी क्राफ्ट की भी क्लासेस है, दो ना। नहीं है मेरे पास, तू तो मेरे गले ही पड़ गई। दीदी तो फिर तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? इसका मतलब आप ही के पास है, दे दो ना। नहीं है मतलब नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता एक बार कहते हैं तो? दीदी देखो दे दो, वरना मैं भी आपकी कोई चीज छुपाऊंगी, फिर ढूंढते रहना आप भी, दे दो। धमकी दे रही है मुझे, धमकी दे रही है, मैंने एक बार कहा तो तुझे समझ में नहीं आता है? नहीं है मेरे पास। लेकिन नहीं। आपके क्यों करो दोनों, ये मेरा घर है, नीचे आवाज में बात करो। तुम लोग ये वो गंदी सी चौल नहीं है जो शोर मचा रहे हो, जाओ जाओ अपने कमरे में। माँ ने तो दिमाग खराब कर रखा है, ये बच्चे भी कुछ कम नहीं।
श्रुति, श्रुति। हाँ क्या हुआ? अरे इधर तो आओ। आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ। आ रही हूँ एक मिनट। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे वो बटन टूट गया। हाँ तो सुई धागा ची। क्यों? ये मेरी लकी शर्ट है, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाता हूँ तो यही शर्ट पहनता हूँ। आज आज लखानी इसके साथ मीटिंग है, मुझे यही शर्ट पहननी पड़ेगी प्लीज। अच्छा, आज एक एक मिनट, तुम्हें सुई धागा चाहिए ना? मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू बटन लगाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। चलता हूं। एक मिनट। बटन मैं रख लेती हूं, अगली बार टाकने के लिए काम आएगा, है ना? हाँ। वो एक्चुअली टूटकर जेब में गिर गया होगा। वो मैं जानता हूं तुम्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद है, इसलिए गुलाब का पौधा लगा रही थी, लेकिन उसमें गुलाब उगने में अभी भी वक्त लगेगा और मैं तुम्हें उन रोजेस के लिए इतना इंतजार नहीं करने दूंगा। हेलो, पेटल्स एंड थॉर्न्स। हाँ, संजय मेहता बोल रहा हूं। हाय हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। एक बुके बनाकर भेजना था जी। नहीं, सिर्फ रोजेस। हाँ जी। हाँ, एक नोट भी जाएगी साथ में। देखिए, माय डियर वाइफ। नहीं, एक मिनट, वो नहीं। लिखिए, डियर मिसेस मेहता, अपने पति के लकी शर्ट पे बटन लगाने के लिए थैंक यू। और लिखिए, आज सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सबका दिल जीतने के लिए कंग्रेचुलेशन, और ऐसे ही जीतती रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। और एड्रेस आपको बताइए। थैंक यू।
बॉटल देखी है? ग्लू की बॉटल? नहीं तो? तो फिर तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? इसका मतलब तुम्हारे पास ही है, दे दो ना दीदी। तो ये अम्मी की कारस्तानी थी। अम्मी तू तो गई, मेरे साथ मजाक करने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा।